बीटेक जी, मैं जेनेटिक इंजीनियर हूँ बीटेक में, जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी में, और ऑलरेडी मुझे कुकिंग वगैरह का बहुत ज़्यादा शौक है। मैं पहले हंग्री कुकिंग लैड के नाम से एक ब्लॉग भी बनाता था जिसमें तो सर आप क्वांटिटी वाइज भी देखे तो 300 ग्राम में अच्छा खासी क्वांटिटी है और ये आपको कहीं से लगेगा नहीं है कि मतलब रोड साइड है, ये हैंडमेड बिरयानी है, बहुत सॉलिड लग रहा है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऊपर ऊपर से हो या फिर इसकी बोन हो। ट्राई करके देखते हैं कैसा बना। स्वागत है आपका दिल से देखती फूड ब्लॉगर चैनल में। कैसे हो आप? तो आई होप आप फिट एंड फाइन होंगे। तो आज हम आए हैं आबूदाना किचन, तो यहाँ पे आपको भैया से मिलवाएंगे वेज और नॉन वेज बिरयानी का ये स्टॉल लगाया है, तो मिलवाते हैं भैया से। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों हम आ चुके हैं भैया के पास जो कि आबूदाना किचन है, तो मिलते हैं भैया के साथ। तो भैया कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ सर, आप बताइए। सब बढ़िया सर। क्या नाम है सर आपका? सर शुभम। जी शुभम गौर। जी जी जी। तो इसका ये नाम आपने आबूदाना किचन क्यों रखा सर? सर एक्चुअली ये मेरे एक फ्रेंड के साथ है, तो जी उसकी मदर बनाती है, तो उनकी चॉइस थी आबूदाना किचन का नाम, तो हम सबको अच्छा लगा नाम, तो उसी से फिर हमने कंटिन्यू कर लिया आबूदाना। जी सर कब से कर रहे हैं सर आप ये? सर हम क्लाउड बेस्ड जो व्हाट्सएप ऑर्डर्स होते हैं तो उसमें तो हमें लगभग 2 साल हो गए। जी जो मतलब हम बल्क से लेके छोटे में सारी चीज़ों में डील करते हैं। जी और ऑलमोस्ट हम हर चीज़ ही बनाते हैं। तो आप डिलीवरी वगैरह भी करते हैं इस पे? मतलब होम जी डिलीवरी और इसी पे ही आप? जी ऑल ओवर डेली डिलीवरी होती है, आप जहाँ मर्जी चाहें मतलब आपकी डिलीवरी होती है, डिलीवरी चार्जेस ऑब्वियसली इंक्लूडेड होते हैं। जी तो सर आप ये जो बिरयानी रखते हैं ये वेज या नॉन वेज दोनों रखते हैं? जी दोनों वेज भी है नॉन वेज भी है, और मतलब उसके अलावा अगर आप ऑर्डर पे ही बनाना चाहते हैं जी तो आपको विद इन हाफ एन आवर मोस्ट प्रोबेबली हाफ एन आवर से 45 मिनट्स के अंदर आपको ऑर्डर भी मिल जाएगा। जी सर कि आपने ये जो सफर है कैसे तय करा और आपने अभी मतलब क्यों आपको ऐसा लगा कि आपको ये किचन बिरयानी के लिए ही रिगार्डिंग करना चाहिए, आप कुछ और भी कर सकते थे? सर एक्चुअली मैं अपने बारे में अगर बताऊं तो मैं बीटेक हूँ जी, मैं जेनेटिक इंजीनियर हूँ बीटेक में, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में, और ऑलरेडी मुझे कुकिंग वगैरह का बहुत ज़्यादा शौक है। मैं पहले हंग्री कुकिंग लैड के नाम से एक ब्लॉग भी बनाता था जिसमें रेसिपीज वगैरह होती थी, तो कुकिंग का बहुत शौक था, फिर एकदम से ही अपॉर्चुनिटी दिखाई थी जी, तो फ्रेंड की मदर ऑलरेडी कर रही थी तो उनके साथ ही थोड़ा सा आगे उनकी हेल्प करते करते फिर मैंने बोला मैं ही साथ में ज्वाइन कर लेता हूँ आपके, तो एक पार्टनरशिप में ही फिर हमने वो कर लिया, वो कुक करती हैं और मैं प्रोवाइड करता हूँ, तो एक पैशन मान लीजिए वहाँ से जॉब छोड़ के फिर ऑलरेडी फिर इसमें काम करने लग गए। तो सर आपको लगा नहीं कि आपने बीटेक करी है कि लोग क्या कहेंगे कि आप मतलब ऐसा लगा नहीं कि सर कई लोग शेम फील करते हैं कि यार भी बीटेक करके क्यों ऐसा करना? बिल्कुल बिल्कुल सर करेज तो चाहिए होता है, अगर आप ऑनेस्टली मैं बताऊं तो एक ठीक एक फैमिली से एक मिडिल क्लास फैमिली से जो ऑलरेडी एक बीटेक हो ना तो उसके लिए बहुत करेज चाहिए होता है स्टार्टिंग में, बट एक भाई ये कि बॉल ब्रेक कर दी उसके बाद तो सर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके बाद तो और अच्छा मजा आने लगता है काम के अंदर। तो सर बीटेक तो बहुत हाई प्रोफाइल होता है, लाइक इसमें जॉब वगैरह में जॉब सिक्योरिटी होती है, सैलरी फिक्स आती है, लाइक बहुत सारी ऐसी चीजें होती है ना, आप जा सकते हो, फिर भी आपने इतना बड़ा रिस्क लिया ऐसे टाइम पर, डर नहीं लगा सर आपको? नहीं सर अपना बिजनेस होता है, उसकी एक जो बिजनेस की सिक्योरिटी होती है वो किसी चीज़ के अंदर नहीं होती, फ्रीडम जो एक बिजनेस वाला एक्सपीरियंस कर सकता है ना सर वो जॉब में एक्सपीरियंस हो ही नहीं सकती, और मैं ऑनेस्टली उसके लिए ही स्ट्राइव करता हूँ थोड़ा सा बिजनेस फ्रीडम के लिए, तो इसीलिए। सर आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, आपसे मतलब इंस्पायर होके और भी लोगों को शायद अपना ये ब्रेव डिसीजन लेना चाहिए, कहीं ना कहीं आपको एक एज में जाके एक डिसीजन लेना ही पड़ता है जब आपको खुद के लिए काम करना पड़ता है, तो लोग आपसे जरूर इंस्पायर होंगे। तो थोड़ा आप हमें बिरयानी के बारे में बताइए, आपकी बिरयानी में ऐसा क्या स्पेशल है कि लोग आप ही के पास क्यों आए? सर इस बात का तो मैं चैलेंज कर सकता हूँ जी, पूरी की पूरी आपको सबसे बेस्ट बिरयानी यहाँ की मिलेगी पूरे एरिया में, आप और मैं बहुत अच्छे एरिया में खड़ा हूँ इस टाइम पे, आपको राइट हैंड साइड पे पूरा अगर आप देखेंगे तो इसी की नेक्स्ट गली में जी बिल्कुल आपको रमेश पार्क मिल जाएगा, यहाँ पे पूरा ही वो इलाका है बिरयानी वगैरह सारी चीजों का, इधर सामने ही मेरे बैक साइड में खुरेजी है, और सारी चीजों का इलाके होने के बाद भी मैं क्लेम कर सकता हूँ हमारी बिरयानी बेस्ट होती है। तो ऐसा सर स्पेशल क्या है मतलब आपकी बिरयानी में क्या डालते हो आप? थोड़ा सा एक्चुअल में जो हमारी जो मदर है मैं उनको मैं भी उन्हें मदर ही बोलता हूँ ओके तो
वो सारे मसाले एक तो खुद बनाती हैं जी, हैंडमेड जी, उनके हैंडमेड मसाले होते हैं पूरे, मतलब सिलेक्टेड स्पाइसेस से यूज करके। उसके बाद हम फ्रेग्रेंसेस बहुत अलग यूज करते हैं, जैसे रोज वाटर हो गया, डिफरेंट। तो उसके अलावा उसी के साथ ही हमारी बिरयानी जो होती है हम बहुत फ्रेश रखते हैं। मतलब आप देख भी रहे हैं कि बॉक्स बहुत छोटा सा है जी, तो इसके अंदर ऑलरेडी स्टॉक अपडेट होता रहता है, तो बिल्कुल आपको एक अच्छा स्टॉक के साथ एक अच्छी क्वालिटी के साथ बिरयानी मिलेगी जी जी, और बिल्कुल रेडी टू ईट होती है। आप देख रहे हैं मैं रोड पे खड़ा हूँ, तो यहाँ पे तो लोगों को ये होता है कि जल्दी, तो जैसा भी वो मतलब वो चाहें तो उनको इंस्टेंटली मिल भी सकती है। सर आपको मालूम होगा आप जहाँ पे हैं वहाँ पे ज्यादातर पीजी एरिया भी है, बिकॉज ये लक्ष्मी नगर निर्माण विहार ज्यादातर पीजी एरिया में है, तो आपने प्राइस उसका किस हिसाब से रखा है, मतलब क्वालिटी तो आपने मेंटेन कर ली? जी, क्वांटिटी और प्राइस कैसे रखा है? सर क्वांटिटी वाइज भी हम बेस्ट हैं जी, क्योंकि आप अगर बिरयानी देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 220 रुपीज पर केजी चल रही है ऑल ओवर दिस एरिया। एग्जैक्टली सर, मेरी बिरयानी मैं इस टाइम पे दे रहा हूँ अप्रोक्सीमेटली 170 रुपीज पर केजी। ओके, जिस टाइम पे मतलब ऑलमोस्ट 300 ग्राम्स की है। ओके, जो 50 रुपीज का बॉक्स है जी, तो 150-160 के अराउंड आ जाती है पर केजी के हिसाब से। और उसके अंदर भी ताकि, और सर अगर आप लोगों को देखेंगे यहाँ पे जी, तो यहाँ पे हर तरीके के शेयरिंग ऑटो वाले भी खाते हैं, सब्जी वाले भैया हो गए वो भी खाते हैं, सारे खाते हैं जी, तो उनके भी थोड़ा सा देखना होता है। तो हम अपना मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन जितना कम रख सकते हैं ताकि सब खा पाए, इसलिए हम इतना 50 रुपीज का बॉक्स रखते हैं 300 ग्राम से। जी, अगर कोई 1 kg लेना चाहे तो? सर 1 kg लेना चाहे तो वो 3 boxes ले सकता है, उसके लिए सफिशियंट रहेगी। ओके, ऑलमोस्ट फिर वो 150 के अराउंड आ जाएगी 50 kg के अकॉर्डिंग जी। तो सर बातें तो बहुत हो गई हैं, अब आप अपनी बिरयानी के दर्शन कराएं सर। बिल्कुल सर, आप देखिए। तो दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं इन्होंने बहुत ही प्यारा सा ये अपना बॉक्स रखा हुआ है, जिसमें कि इन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है, घर से ही सारा ये बना के लाते हैं। ये देखिए जी, पीस आपको पूरा बड़ा मिलेगा जी। तो सर आप क्वांटिटी वाइज भी देखें तो 300 ग्राम में अच्छा खासी क्वांटिटी है, और ये आपको कहीं से लगेगा नहीं है कि मतलब रोड साइड है, ये हैंडमेड बिरयानी है जी। तो यहाँ पे आपको क्या क्या सर इसमें डाला हुआ है? सर पूरा ही मतलब ये अच्छी स्पाइसी बिरयानी है, अच्छी मसालेदार पूरी जी। और उसके अंदर भी अगर आप देखें, ये तो वाली हो गई, हमने लेग पीस अलग से रखे हुए जी, तो लेग पीस बिरयानी ये रही जी। ये देखिए लेग पीस की भी उतना ही प्राइस होता है जी? सर जी, मिनिमल 10-5 rupees एक्स्ट्रा होते हैं सर। कितने पीसेस होते हैं सर 50 में लेग पीस? सर लेग पीस एक सिंगल लेग पीस होता है, बड़े वाला ये। ओके, उसके अलावा आपको मतलब ये एडिशनल एक दो बोटी मतलब दो उसके अलावा छोटी होती है जी। तो दोस्तों आप देख रहे हैं बहुत ही इन्होंने काफी कम मार्जिन में ज्यादा क्वांटिटी रखी हुई है मेरे हिसाब से। तो अगर आप 3 बॉक्स लेंगे, 1 kg लेना चाहते हैं तो आप जरूर इनका ट्राई कर सकते हैं। तो ट्राई करके देखते हैं इनसे कैसी है ये। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, कहीं भी मत जाइएगा। भैया से पूछते हैं इनका टाइमिंग वगैरह, भैया आपका क्या रहता है? सर आप टाइम ये मान लीजिए कि मैं ऑलमोस्ट इस टाइम पे 2:00 के अराउंड आ जाता हूँ जी। 2:00 से कितने बजे तक रहते हैं आप यहाँ? और यहाँ पे आप मान लीजिए 9-9:30 तक हो जाता है। ओके, अराउंड आप 5-9:30 रहते हैं यहाँ पे, और आप मतलब शफल भी करते हैं या फिर स्टेबल यहीं पे ही रहते हैं? स्टेबल यहीं पे, यहीं पे रहते हैं 5 बजे से लेके 9:30 बजे तक। 2 बजे से लेके 9:30 बजे। ओके, 2 से 9:30 बजे तक जी। तो सर हम जानना चाहते हैं कि सर आपका 7 दिन अवेलेबल रहते हो आप? मंडे टू सैटरडे, संडे को रैंडमली अवेलेबल होता है। रैंडमली? ओके, संडे का कुछ फिक्स नहीं होता मेरा। कितना टाइम हो गया सर आपके प्रॉक्सी इसमें? अभी मुझे मैंने जैसा बताया कि क्लाउड बेसिस पे हम ऑलमोस्ट 2 years से काम कर रहे हैं जी, जिसमें हम बल्क से छोटे ऑर्डर सारे लेते हैं जी सर। अब जो ऑन फील्ड वर्क है, ऑन फील्ड में हमें अप्रोक्सीमेटली 2-3 हफ्ते हो गए हैं, और रिस्पॉन्स हमें काफी अच्छा मिल रहा है। बहुत बढ़िया सर, दुआ करते हैं आपके लिए, दिन जुगनी रात चुगनी आप में करे तरक्की सर, और आपको ऐसे ही अच्छा सा रिस्पांस आता रहे। हम कहते हैं आपका ये छोटे से मतलब इससे आपको बहुत बड़ा रेस्टोरेंट ओपन हो जाए, तो जिससे आपके बहुत ही ज्यादा रश बना रहे, और आप ऐसे ही मतलब करते रहिए और लगे रहिए, बिल्कुल जुड़े रहिए। भगवान देख रहा है सर, आपको जरूर कहीं ना कहीं जरूर लेके जाएगा सर। तो हम आपकी ये बिरयानी ट्राई करते हैं और बताते हैं, ठीक है सर? थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।
प्रकार के बना के लाए हैं, तो आप इसमें देख सकते हैं अनियन और इसमें है टमाटो की चटनी और जो कि भैया खुद से तैयार करते हैं। और ये आप देख सकते हैं ये है इनका लेग पीस जो कि आपको 50 रुपीस में बहुत ही रेयर मिलता है। अगर आप कहीं भी जाओगे तो आपको हार्डली हाफ बिरयानी में एक या दो से मिलते हैं, तो मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इसकी क्वांटिटी है 50 रुपीस में। तो पहले हम राइस चेक करके देखते हैं सर बिरयानी के कैसे बने। ऐसा लग रहा है कि जैसे इसमें थोड़ी सी खटास है जो कि इसमें टमाटर की चटनी बनाई हुई है। राइस भी बिल्कुल स्वाद अनुसार है, ना ज़्यादा तीखा है ना ज़्यादा फीका है और बहुत ही सही है। तो हम एक बार इनका लेग पीस ट्राई करके देखते हैं। लेग पीस बहुत सॉलिड लग रहा है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऊपर से हो या फिर इसकी बोन हो। ट्राई करके देखते हैं कैसा बना। बढ़िया टेस्ट है। तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि भी जो आप बाहर से खाते हो नज़ीर या फिर कहीं रेस्टोरेंट से, तो कहीं भी उनसे कम नहीं है और क्वांटिटी वाइज क्वालिटी वाइज बहुत ही बढ़िया टेस्ट है। तो मैं आपको रेकमेंड करना चाहूँगा कि आप एक बार ज़रूर आएँ। और ये जो रोड है ये है महाराजा बैंक्वेट हॉल की रोड है निर्माण विहार वाली, तो यहाँ पर आप एक बार आके ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। कुरेजी रोड पर भैया आपको यहाँ पर 2 बजे से रात के 9:30 बजे तक मिलेंगे। और ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। आप भी बताइएगा अगर आप बिरयानी के शौकीन हैं, चिकन बिरयानी के, कैसी लगती है आपको वीडियो। और ऐसे ही हम अपना प्यार बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय।